ऊंची ऊंची पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदरपुर नाम का एक गांव था, जो अपने नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत था। मगर उस गांव का एक अजीब रहस्य था। उस गांव का हर एक इंसान पागल था। उस गांव में एक भी जानवर नहीं था, ना ही कोई पक्षी कभी उस गांव के ऊपर से गुजरता। कभी कोई पक्षी भूले भटके उड़ता हुआ उस गांव के अंदर आ भी जाता तो वो कभी वापस नहीं जा पाता और जमीन में गिरकर मर जाता। वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। जब वो गांव बसा था तब शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, मगर एक साल एक विकराल भूकंप ने उस गांव की काया ही बदल दी। उस भूकंप में देश के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब उस भूकंप में उस गांव में भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। भूकंप तो बंद हो गया था, मगर उस दिन के बाद से वो गांव एकदम वीरान पड़ने लगा। धीरे धीरे लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उस गांव के लोग सामान्य काम को भी अजीब ढंग से करने लगे। वो जी तो रहे थे मगर किसी नादान बच्चे की तरह। प्रवीण कई साल के बाद आज रात अपने गांव सुंदरपुर आया था। वो बचपन में ही अपनी मौसी के घर दिल्ली चला गया था और वहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आज वो अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। लेकिन आज गांव में अपने घर और जमीन की खबर लेने वो गांव वापस आया था। मगर गांव आकर जो उसने देखा वो देख कर वो दंग रह गया था। वो गांव अब बदल चुका था, चारों तरफ अंधेरा था। प्रवीण के हाथों में टॉर्च था जिसकी रोशनी में वो देख सकता था कि वहां के लोग अजीब हो चुके थे। कोई उल्टे कपड़े पहने हुए था तो कोई एक जूता पहन के घूम रहा था, कोई अपनी उंगलियां चबा रहा था तो कोई अपने बाल नोच रहा था। लोग सब कुछ उल्टा कर रहे थे। प्रवीण के हाथों में टॉर्च की रोशनी से सभी लोग डर रहे थे। कुछ लोग बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से प्रवीण को घूर रहे थे। प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सबको हो क्या गया है। ये सभी लोग बिजली होने के बावजूद बत्ती बंद करके क्यों बैठे हैं? ऐसा लग रहा था मानो जैसे रोशनी से इन लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी हो। गांव की वो हालत देखकर प्रवीण के सिर में दर्द होने लगा। प्रवीण हाथ में टॉर्च लिए धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी प्रवीण ने एक बरगद के पेड़ के नीचे तुपक के बैठे हुए चार लोग देखे, जो प्रवीण की टॉर्च की रोशनी से डर रहे थे और बोल रहे थे, वो देखो, वो हमारी लाशें पड़ी हैं, लाशें, हम मर चुके हैं। प्रवीण ने आसपास देखा मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो चारों लोग बोले कि वो अभी अभी मरे हैं और भूत बन चुके हैं और अब उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। प्रवीण को भी अब उस गांव में डर लगने लगा था। उसे भी लगने लगा था कि क्या सच में उस गांव में कोई भूत प्रेत का साया है? क्या वाकई वो लोग मर चुके हैं और प्रवीण को उनका भूत दिखाई दे रहा है? ये सब अजीबो गरीब चीजें देखकर प्रवीण का सिर घूमने लगा। उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी कि तभी प्रवीण को उसके पापा दिखाई दिए। प्रवीण के पिताजी बोले, प्रवीण बेटा, कैसी गई तेरी परीक्षा? सारे सवालों के जवाब लिखे ना तूने? कुछ छोड़ा तो नहीं? चल आजा, तेरी माँ ने खाना बना के रखा है, चल जल्दी आ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। उस अंधेरे डरावने माहौल में अपने पिताजी को देखकर प्रवीण को हिम्मत मिली और वो दौड़कर अपने पिताजी के पास गया कि तभी उसके पिताजी किसी सफेद धुएं के समान हवा में गायब हो गए। प्रवीण को याद आया कि उसके पिताजी तो कई साल पहले मर चुके हैं। प्रवीण की आंखों में आंसू घिर आए। उसकी आंखों के सामने अभी भी सब कुछ किसी तालाब के पानी में हिलते हुए प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। प्रवीण ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस लड़की को गौर से देखा तो वो उस लड़की को पहचान गया। वो लड़की प्रिया थी, प्रवीण के कॉलेज का अधूरा प्यार। अधूरा इसलिए क्योंकि प्रवीण ने कभी प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं था और फिर प्रिया की कहीं और शादी हो गई और प्रवीण से उसका पहला प्यार हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। मगर प्रिया हमेशा प्रवीण के जहन में एक अच्छी याद बनकर साथ रही। आज प्रिया को वापस अपने सामने देखकर प्रवीण का प्यार उमड़ आया। प्रिया प्रवीण के सामने आई
और बड़े प्यार से प्रवीण की आंखों में देखकर बोली, प्रवीण तुम कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके, मगर आज मैं कहती हूँ आई लव यू प्रवीण। तभी प्रिया के शरीर में आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते एक चीख के साथ प्रिया की राख हवा में घुलने लगी। तब प्रवीण को याद आया कि प्रिया तो शादी के कुछ दिन बाद ही अपने ससुराल में गैस सिलेंडर फटने के कारण जलकर मर चुकी थी। अब प्रवीण की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो उस गांव से निकलने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसे वापस जाने का रास्ता नहीं समझ आ रहा था। वो बस उसी गांव में फंस कर रह गया। तब वो अपने जेब से अपना एक छोटा कीपैड मोबाइल फोन निकालता है और अपने चाचा सुजॉय को कॉल करता है। दूसरी तरफ से सुजॉय कॉल उठाता है, मगर प्रवीण की आवाज उस तक साफ नहीं पहुंच पाती। तब प्रवीण सिर्फ एक ही बात दोहराता है, सुंदरपुर गांव मदद करो चाचा, सुंदरपुर गांव प्लीज मदद करो। प्रवीण बार बार यही बात दोहराता है ताकि सुजॉय तक उसकी बात पहुंच जाए, और किस्मत से सुजॉय समझ जाता है कि प्रवीण खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। कुछ आधे घंटे बाद सुजॉय को प्रवीण का एक SMS भी मिलता है, जिसमें लिखा था कि सुंदरपुर गांव में कुछ तो गड़बड़ है, यहां सब पागल हो चुके हैं, मैं भी यहां आकर पागल हो रहा हूं, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालिए। सुजॉय जानता था कि सुंदरपुर गांव में कुछ लोगों का मानसिक संतुलन खो चुका है, मगर पूरा गांव ही पागल हो चुका है ये जानकर सुजॉय को बड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत जासूस रमन को कॉल किया और इस बारे में बताया। जासूस रमन अब 50 साल का हो चुका था, चेहरे में हल्की झुर्रियां दिखने लगी थी, बाल भी सफेद होने लगे थे, चेहरे में हल्की दाढ़ी थी और वो भी सफेद हो चुकी थी। पिछले कुछ सालों से जासूस रमन ने कोई भी केस अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि एक केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी और जासूस रमन उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, इसलिए उसे अब जासूसी में जरा भी रुचि नहीं रह गई थी। धीरे धीरे मोबाइल फोन का जमाना आने लगा था, जगह जगह CCTV लग चुके थे, सोशल मीडिया जैसे ऑरकुट फेसबुक चलन में थे, लोग इंटरनेट को अच्छे से समझने लगे थे और इस्तेमाल करने लगे थे, और उस इंटरनेट ने लोगों को पहले से ज्यादा एक्टिव और अवेयर बना दिया था। अब जुर्म करने वाला किसी ना किसी की नजर में आ ही जाता है और पकड़ा जाता है, इसलिए जासूस रमन का काम अब खत्म हो चुका था और वो अपने घर में अपनी पत्नी सुजाता और अपने बेटे बिनी के साथ आराम की जिंदगी गुजार रहा था। जब सुजॉय ने जासूस रमन को प्रवीण और सुंदरपुर गांव के बारे में बताया तो रमन पहले कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, देखो सुजॉय, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब तक तुम काबिल जासूस बन चुके होगे, मुझे यकीन है तुम इस केस को मेरे बिना ही संभाल लोगे। फोन के इस तरफ से सुजॉय बोला, सर मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप वापस काम करना शुरू करें, घर पर बैठे बैठे आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं सर, उस बच्चे की मौत पहले से तय थी, उसमें आपका कोई दोष नहीं। उस बच्ची का जिक्र आते ही इधर से रमन ने फोन कट कर दिया और फोन टेबल पर रख कर वो अपनी आराम कुर्सी में बैठा कुछ देर तक छत को घूरता रहा, और फिर रमन की अंतरात्मा ने उसे जवाब दिया कि ये वक्त अपने अतीत के बारे में सोचकर खुद को दोष देने का नहीं, बल्कि उस गांव में जाकर वहां के रहस्य से पर्दा उठाने का और वहां के लोगों की जान बचाने का था। रमन ने अपना फोन उठाया और सुजॉय का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठाकर सुजॉय सीधा बोला, जी कहिए सर, क्या तैयारी करूं। सुजॉय समझ गया था कि रमन की कॉल आई है तो वो केस हैंडल करने के लिए मान गए हैं। जासूस रमन ने सुजॉय को कुछ चीजों के नाम बताए और तुरंत उनका बंदोबस्त करने को कहा, और सुजॉय कुछ घंटों के भीतर ही सभी चीजें लेकर एक टैक्सी में रमन के घर पहुंचा। रमन टैक्सी में बैठा, रमन के पास एक लंबी नाल वाली बंदूक थी जिसे उसने सीट के पीछे रख दिया। सुजॉय ने रमन से कहा, सर जो चीजें आपने कही थी मैं वो सब ले आया हूं। रमन बोला, कुछ छूटा तो नहीं सुजॉय? सुजॉय बोला, जी नहीं सर।
फिर सुजॉय ने पीछे रखी बंदूक की तरफ देखा और रमन से पूछा, सर ये बंदूक किस लिए? रमन बोला, बस सुरक्षा के लिए। और फिर वो लोग शहर से निकलकर सुंदरपुर गांव के लिए रवाना हो गए। सफर लंबा था और दिन बीतने लगा। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था तब वो लोग सुंदरपुर गांव पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले उनकी गाड़ी खराब हो गई। रमन ने टैक्सी वाले को वहीं रुकने को कहा और फिर रमन ने कार की डिक्की से बैग निकाल के पीठ में टांगा और एक लंबी नाल वाली बंदूक निकाल के कंधे में टांग ली। सुजॉय ने भी अपना बैग पीठ में टांगा और कार की डिक्की बंद करके रमन से बोला, सर यहां से पैदल चलना पड़ेगा, आप कंफर्टेबल तो है ना? रमन बोला, सुजॉय मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। और फिर सुजॉय और रमन दोनों पैदल ही गांव की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो गांव के नजदीक पहुंच रहे थे वैसे वैसे उनका दम फूलने लगा। चलते चलते 20 मिनट हो चुके थे, अंधेरा घिरने लगा था। तभी सुजॉय ने उस पथरीले रास्ते के किनारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक छोटे से बच्चे को बैठा हुआ देखा। सुजॉय बोला, सर सर वो देखिए, वो बच्चा, वो मेरा भांजा सोनू है। रमन ने उस तरफ देखा जिस तरफ सुजॉय इशारा कर रहा था, मगर रमन को वहां कोई नहीं दिखा। रमन बोला, सुजॉय वहां कोई नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? सुजॉय बोला, सर अभी तो वही था, न जाने कहां चला गया। सुजॉय फिर चीखा, सर सर वो देखिए संगीता, माधोपुर वाली संगीता सर, वो तो मर चुकी थी, फिर वो उस पेड़ के पीछे से खड़ी होकर हमें कैसे देख सकती है सर? रमन ने एक सूखे हुए पेड़ के पास देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। सुजॉय पसीना पसीना हो चुका था। रमन को भी अपने अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। रमन की धड़कन नॉर्मल से तेज चल रही थी। रमन को शायद कुछ समझ आने लगा था कि माजरा क्या है। रमन ने तुरंत अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला और वो इंजेक्शन सुजॉय के गर्दन पर दे मारा। सुजॉय कुछ देर रास्ते के किनारे जमीन में बैठा हांफता रहा, फिर उसे होश आया और वो रमन की तरफ देखकर बोला, सर इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे ही मैं यहां आया हूं मुझे अजीब अजीब से भ्रम हो रहे हैं सर, न जाने प्रवीण का क्या हाल हो रखा होगा, सर क्या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? जब सुजॉय ऐसा बोल रहा था तब रमन एक बड़े से पत्थर की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। रमन की नजरें किसी चीज पर अटकी हुई थी। सुजॉय ने रमन के कंधे में हाथ रखा और रमन को हिलाते हुए बोला, रमन सर आप वहां क्या देख रहे हैं, कौन है वहां पे? रमन की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके हाथ में रमन के जैसी दिखने वाली एक गुड़िया थी। देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत ने एक बड़े से चाकू से उस गुड़िया की गर्दन कलम कर दी और तभी रमन जोर से चीखा और सुजॉय ने रमन के दोनों कंधों को पकड़कर उससे कहा, सर सर होश में आइए। रमन होश में आया और हांफते हुए बोला, वो काली जादूगरनी, वो जिंदा है, वो अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। सुजॉय बोला, सर नहीं, जो आपने देखा वो सच नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है सर, हमें हेलुसिनेशन हो रहा है, हमें तुरंत गांव पहुंचकर प्रवीण और वहां के लोगों को बचाना होगा सर। रमन ने खुद को संभाला और एक इंजेक्शन निकाल के अपनी गर्दन पे भी दे मारा। फिर उसने अपने बैग से 2 हेलमेट निकाले, एक हेलमेट खुद पहन लिया और दूसरा सुजॉय को देता हुआ बोला, इसे पहन लो सुजॉय और तुम साथ रहना, अगर हम दोनों बिछड़ गए तो भटक जाएंगे। वो हेलमेट उनके दिमाग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से कुछ हद तक बचाने के लिए था। दोनों फिर से उस पथरीले रास्ते में चलते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरा घिरने लगा। रमन और सुजॉय ने अपने अपने हेलमेट में लगे हुए टॉर्च को ऑन किया। अब उन्हें रास्ता साफ नजर आने लगा। रमन ने सुजॉय से कहा, सुजॉय मैंने तुम्हें एक डिवाइस लाने को कहा था, उसे अपने बैग से निकाल के ऑन करो। सुजॉय ने अपना बैग खोला और उसके अंदर से एक पोर्टेबल डिवाइस निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। बटन के ऑन होते ही उस डिवाइस की बीप बजने लगी। रमन ने उस डिवाइस के मीटर को देखा और फिर बोला, ये एक EMF डिटेक्टर है, इस जमीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो सामान्य से कई गुना ज्यादा है,
और जैसे ही हम इसके रेडियस में आए हैं, तब से हमारे दिमाग में दबी हुई यादें और घटनाएं हमें किसी सपने के समान दिखाई दे रही हैं, मानो जैसे हकीकत हो पर ये सच नहीं है। तभी सुजॉय बोला, सर वो देखिए वहां पर कोई है। रमन बोला, नहीं सुजॉय, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, वहां पर कोई नहीं है। सुजॉय बोला, सर वहां पर सच में कोई है। रमन बोला, नहीं सुजॉय तुम्हें भ्रम हो रहा है, गांव की तरफ चलते रहो। तभी एक आवाज आई, मेरी मदद करो, मेरी मेरी मदद करो। यह आवाज उसी तरफ से आ रही थी जिस ओर सुजॉय इशारा कर रहा था। यह आवाज रमन ने भी सुनी। सुजॉय बोला, मैंने कहा था ना सर, वहां सच में कोई है। रमन और सुजॉय दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो सुजॉय का भतीजा प्रवीण था। प्रवीण खून से लथपथ था। सुजॉय को अपने पास देखकर प्रवीण बोला, चाचा मुझे आपको यहां नहीं बुलाना चाहिए था, भाग जाइए, भाग जाइए आप दोनों यहां से, यहां सब लोग पागल हो चुके हैं, वो आपको आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग जाइए यहां से। रमन ने प्रवीण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने खून से भीगी हुई प्रवीण की शर्ट को उठाकर उसका पेट देखा तो जो देखा वो देखकर रमन के रोंगटे खड़े हो गए। प्रवीण के पेट में एक बड़ा सा कट था जिसमें से उसकी पेट की अंतड़ियां साफ नजर आ रही थी और बाहर को लटकी हुई थी। रमन को लगा कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं। रमन ने सुजॉय से कहा, सुजॉय ये देखो। सुजॉय ने प्रवीण का पेट देखा तो वो भी आंखें फाड़े बस देखता ही रह गया। प्रवीण का पेट सच में फटा हुआ था। उसके पेट के अंदर एक पतला धारदार पत्थर धंसा हुआ था। तभी सुजॉय और रमन के पैरों के पास एक नुकीला पत्थर आकर गिरा। रमन ने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा मगर अंधेरे की वजह से सामने कुछ नहीं दिखा। तभी एक और पत्थर आकर उसके सामने गिरा और फिर एक और पत्थर आया। एक पत्थर सुजॉय के हेलमेट के ऊपर गिरा और उसमें लगा टॉर्च टूट गया। अब रमन को लग रहा था कि उनके सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग हैं जो उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, मगर रमन के हेलमेट की टॉर्च की रोशनी उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी धड़ाधड़ कई पत्थर आकर रमन और सुजॉय के आसपास गिरने लगे। रमन ने तुरंत अपने बैग से एक फ्लेयर गन निकाली और हवा में फायर कर दी और एक झटके में पूरी घाटी लाल रंग से रोशन हो गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि सब कुछ साफ नजर आने लगा। रमन और सुजॉय ने अपने सामने देखा, एक ऊंची चट्टान के ऊपर कई लोग खड़े थे जो किसी जोम्बी के झुंड के समान दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग तो फ्लेयर गन की लाइट से डर कर भाग गए मगर कुछ लोग अभी भी किसी खूंखार जानवर की तरह घुर्राते हुए रमन और सुजॉय की तरफ ही देख रहे थे। रमन बोला, सुजॉय प्रवीण को उठाकर यहां से वापस चलो, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। मगर सुजॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। रमन ने सुजॉय की तरफ देखा तो सुजॉय की नजर जमीन में गिरे हुए प्रवीण की तरफ थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रमन ने भी गर्दन घुमाकर प्रवीण की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। प्रवीण के सिर में एक बड़ा सा नुकीला पत्थर धंसा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी। प्रवीण मर चुका था। रमन ने सुजॉय का हाथ पकड़ा और धीमे धीमे उल्टे कदम पीछे की तरफ चलने लगा। चट्टान के ऊपर खड़े गांव के लोग अभी भी रमन और सुजॉय की तरफ ही देख रहे थे मगर वो लोग उस चट्टान से आगे नहीं बढ़े, बस वहीं पर खड़े रहकर रमन और सुजॉय को वापस जाता देखते रहे। सुजॉय अपने भतीजे प्रवीण की मौत की वजह से दुखी था। रमन ने उससे कहा, सुजॉय मुझे प्रवीण की मौत का दुख है मगर हम इन गांव के लोगों को यहां ऐसे नहीं छोड़ सकते, इन्हें इस जमीन से दूर लेकर जाना होगा वरना ये सभी पूरी तरह पागल हो जाएंगे और किसी जानवर की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे और फिर क्या पता ये यहां से निकलकर शहर के लिए खतरा बन जाएं। सुजॉय बोला, नहीं सर, हम इन्हें यहां से बाहर नहीं निकाल सकते, इन्हें यहां से निकालने के लिए मिलिट्री चाहिए। रमन बोला, नहीं सुजॉय मिलिट्री नहीं, हम ही इन्हें यहां से बाहर निकालेंगे, तुम पहले खुद को संभालो। सुजॉय बोला, सर मगर पहाड़ी के उस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं रहेगा,
और हम भी उनकी तरह बन जाएंगे, रमन ने कहा। इसके लिए हमारे पास हेलमेट और कुछ इंजेक्शंस हैं। हम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा असर नहीं करेगी जितना इन लोगों पर कर रही है, और इन लोगों को काबू में करने का इलाज है मेरे पास, रमन ने अपने कंधे से बंदूक उतारते हुए कहा। सुजॉय बोला, सर आप इन्हें मार डालेंगे? रमन बोला, नहीं, ये ट्रैंक्विलाइजर गन है, मुझे मालूम था कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। सुजॉय बोला, सर अब करना क्या है? रमन बोला, ये सामने चट्टान के ऊपर जो शैतान खड़े हैं इनके ऊपर फ्लैशलाइट की रोशनी डालो, मैं एक एक करके सबको बेहोशी के तीर मारने की कोशिश करूंगा। सुजॉय ने तुरंत फ्लैशलाइट की रोशनी एक आदमी पर डाली और रमन ने तुरंत निशाना साध के गन का ट्रिगर दबा दिया और उसमें से एक बेहोशी का तीर निकलकर सीधा उस आदमी की छाती पर लगा और वो आदमी इधर उधर भागने लगा। रमन ने इसी तरह सामने खड़े कुछ 8 आदमियों को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोशी के तीर मारे। कुछ 2-3 मिनट में सभी लोग बेहोश होकर वहीं चट्टान के ऊपर जमीन में गिर गए। सुजॉय और रमन ने अपनी अपनी गर्दन पर एक एक इंजेक्शन लगाया जो उनके दिमाग को कुछ देर हाइपर एक्टिव रखने वाला था, नहीं तो उस जमीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनके दिमाग को भ्रमित करते रहेगी। उसके बाद वो दोनों उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े जहां से गांव के वो आदमी पत्थर मार रहे थे, मगर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने पहाड़ी की दूसरी तरफ देखा और जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। चट्टान के दूसरी तरफ कम से कम 50-60 लोग थे जिनका दिमाग उनके काबू में नहीं था और वो ज़ॉम्बीज बने इधर उधर भटक रहे थे। सुजॉय बोला, सर हमें सबसे पहले इन 8 बेहोश लोगों को यहां से बाहर निकालना होगा। रमन बोला, तुम ठीक कहते हो सुजॉय, लेकिन इन आदमियों को यहां से निकालने में बहुत समय लगेगा, इससे अच्छा होगा कि हम इनके हाथ पैर कसकर बांध दें, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रमन और सुजॉय ने तुरंत उन 8 आदमियों के कपड़े उतारे और उनकी पैंट और शर्ट का इस्तेमाल करते हुए उनके हाथ पैरों को कसकर बांध दिया। अब होश में आने पर वो लोग हमला नहीं कर पाएंगे और वहीं पर पड़े रहेंगे। रमन ने सुजॉय से कहा, सुजॉय इनका इंतजाम तो हो गया, अब हमें सामने जो लोग हैं उनका इंतजाम करना है। तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क तो है ना? सुजॉय बोला, नहीं सर, मेरे मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं। रमन ने फ्लैशलाइट की रोशनी ऊपर चट्टान से नीचे प्रवीण की डेड बॉडी पर डाली जो चट्टान के नीचे पड़ी हुई थी। रमन बोला, सुजॉय तुम्हें प्रवीण ने एसएमएस किया था, तो शायद उसके फोन में नेटवर्क हो, जाकर देखो, शायद उसकी जेब में उसका मोबाइल मिल जाए। सुजॉय तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरा और प्रवीण की जेब टटोली और हाँ, सुजॉय को प्रवीण की जेब में उसका मोबाइल मिल गया, मगर उसमें भी नेटवर्क नहीं था। सुजॉय पहाड़ी के ऊपर रमन के पास आया। पहाड़ी के ऊपर आने पर मोबाइल में थोड़े नेटवर्क दिखाई देने लगे। सर इस मोबाइल में नेटवर्क कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, क्या करूं? रमन बोला, तुम्हारे फोन में इंस्पेक्टर रवि का मोबाइल नंबर होगा, उसमें एक एसएमएस भेजो और बताओ कि यहां मदद चाहिए, जल्दी फोर्स लेकर यहां आए। सुजॉय ने तुरंत एक एसएमएस टाइप किया और इंस्पेक्टर रवि के नंबर पर भेज दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर एसएमएस सेंडिंग दिखाई दे रहा था। नेटवर्क की कमी की वजह से एसएमएस को जाने में वक्त लग रहा था। रमन बोला, मोबाइल को जेब में रख लो सुजॉय, नेटवर्क आएंगे तो एसएमएस चला जाएगा। इतना कहते हुए रमन ने फ्लेयर गन हवा में उठाई और उसका ट्रिगर दबा दिया। फ्लेयर गन की लाल रोशनी पूरे गांव में फैल गई और उस तेज रोशनी को देखकर पहाड़ी के दूसरी तरफ खड़ी गांव की भीड़ इधर उधर भागने लगी, जिनमें से कुछ लोगों ने पलटकर चट्टान की तरफ देखा और रमन और सुजॉय पर नजर पड़ते ही वो लोग उनकी तरफ भागने लगे। रमन ने ट्रैंक्विलाइजर गन से एक एक करके सभी आदमियों को बेहोश कर दिया और फिर चट्टान से नीचे उतरकर उनके कपड़े उतारे और उनके कपड़ों की मदद से उनके हाथ पैर भी कसकर बांध दिए। सुजॉय बोला, सर क्या हम सभी को इस तरह कपड़े उतार कर बांधेंगे? यहां कुछ औरतें भी हैं। रमन बोला, सबके साथ ऐसा करने की शायद जरूरत ना पड़े, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब तक सिर्फ आदमियों के दिमाग ज्यादा खराब हुए हैं, औरतें भी भ्रमित हैं पर उतनी नहीं जितने आदमी। आदमियों का दिमाग एग्रेसिव होता है इसलिए वो आक्रामक हो रहे हैं, जबकि बच्चे बूढ़े और औरतें तेज रोशनी देखकर दूर भाग रहे हैं। हमें एग्रेसिव आदमियों को ढूंढकर बेहोश करना होगा
ताकि बाकियों को काबू में करना आसान हो जाए। रमन और सुजॉय दोनों गांव में घुस चुके थे। गांव में ज्यादा घर नहीं थे। वहां के लोग रमन और सुजॉय को देखकर डरकर अपने घरों में दुपक गए थे। एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए रमन के पास आई और बोली, तू यमराज है और ये चित्रगुप्त हमें लेने आया है क्या? तेरा भैंसा कहाँ है? ऐसा बोलकर वो अजीब तरह से हंसने लगी। सुजॉय बोला, सर जरा एक बेहोशी वाला तीर देना, इस बुढ़िया को तो मैं हाथ से ही तीर मारकर बेहोश कर दूंगा। रमन ने सुजॉय को एक इंजेक्शन दिया और बोला, ये लो इंजेक्शन, इसकी गर्दन पर मार कर देखो क्या रिएक्शन होता है। सुजॉय ने इंजेक्शन लिया और उस बूढ़ी औरत की गर्दन पर दे मारा। बूढ़ी औरत हंसते हंसते दर्द से कराहने लगी और गर्दन पर हाथ रख कर जमीन में लेट गई। रमन और सुजॉय उसके ऊपर फ्लैशलाइट की रोशनी डालकर बस उसे देखते रहे और कुछ देर में वो औरत होश में आने लगी और लड़खड़ाते हुए खड़ी होकर रमन से बोली, यहाँ से चले जाओ बेटा, ये गांव शापित है, शापित है ये गांव, यहाँ यहाँ सब पागल है, सब पागल है। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए वहां से चली गई। सुजॉय बोला, सर इंजेक्शन तो काम कर रहा है। रमन बोला, वेरी गुड, यही तो चाहिए था, अब बाकियों को भी इंजेक्शन देना है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ रमन और सुजॉय की तरफ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा धारदार हथियार था और उसकी छाती में खून के धब्बों वाला एक एप्रन बंधा हुआ था। शायद वो उस गांव का मुर्गे बकरे काटने वाला कसाई था। रमन ने तुरंत अपनी बंदूक से उसे एक बेहोशी वाला तीर मारा। तीर उस आदमी की गर्दन पर लगा मगर वो फिर भी रमन और सुजॉय की तरफ भागता रहा और भागते भागते वो लड़खड़ाने लगा और रमन और सुजॉय के पैरों के पास आकर गिर गया और बेहोश हो गया। रमन और सुजॉय ने उसकी लुंगी उतारी और उस लुंगी को फाड़कर उस कसाई के हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद दो और दुबले पतले लड़के दौड़ते हुए उनके पास आए। रमन ने उन्हें भी बेहोश कर दिया और बांध दिया। ऐसा करते करते काफी लोगों को सुजॉय और रमन ने बांध कर जमीन में लेटा दिया था। थोड़ी देर में उजाला होने लगा और तब तक आधा गांव जमीन में लेटा हुआ था। सूरज की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से सभी लोग जमीन में लेटे जोर जोर से छटपटा रहे थे और बाकी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। रमन सुजॉय ने जमीन में लेटे हुए सभी गांव वालों की गर्दन पर वही इंजेक्शन लगाया जिससे दिमाग शांत रहता है। सभी गांव वाले अब शांत थे। अब सिर्फ वो बचे थे जो घरों के अंदर दुबके हुए थे और घर के अंदर घुसकर उन्हें बाहर निकाल पाना नामुमकिन था क्योंकि रमन और सुजॉय को नहीं पता था कि कौन कब कहां से हमला कर दे। सुजॉय ने जेब में हाथ डालकर एक बार फिर मोबाइल चेक किया। लकीली इंस्पेक्टर रवि के पास SMS जा चुका था और मोबाइल के नेटवर्क भी वापस जा चुके थे। सुजॉय रमन से बोला, सर इंस्पेक्टर रवि के पास SMS तो जा चुका है मगर ना जाने वो यहाँ कब पहुंचेंगे, हम तब तक यहाँ करेंगे क्या, हमारे पास इंजेक्शंस भी खत्म होने को हैं। रमन बोला, सुजॉय हम अब तक 35 लोगों को बांध चुके हैं, अभी भी कुल 25-30 और लोग होंगे, उन्हें किसी तरह बेहोश करना है, उसके लिए उन्हें घरों से बाहर निकालना होगा। सुजॉय ने कहा, सर मेरे पास एक आइडिया है, मैं कोशिश करता हूँ सर। इतना बोल के सुजॉय ने फ्लेयर गन निकाली और उसे एक घर की खिड़की के अंदर पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया। फ्लेयर लाइट घर के अंदर घुसी और पूरे घर में एक तेज लाल रोशनी फैल गई। फिर क्या था, उस तेज रोशनी से डरकर सभी घरों से बाहर निकल आए मगर बाहर भी सूरज की तेज रोशनी की वजह से वो लोग दूसरे घरों में घुसने लगे। मगर इतने टाइम में रमन ने कई लोगों को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोशी के तीर मारे और उन्हें बेहोश कर दिया। बाकी जो बच गए वो एक दूसरे घर में घुस गए। रमन और सुजॉय ने जमीन में बेहोश होकर गिरे लोगों को उन्हीं के कपड़ों से बांध दिया। सुजॉय उस खाली घर में घुसा जहां उसने फ्लेयर लाइट शूट की थी। वहां से वो कुछ रस्सियां, कुछ साड़ी और दुपट्टे ले आया और उनकी मदद से जमीन में गिरी हुई औरतों और बच्चियों को बांध दिया क्योंकि उनके कपड़े खोलना सही नहीं था। सुजॉय ने फिर से फ्लेयर गन को लोड किया और उस घर में पॉइंट किया जहां अभी कुछ देर पहले सूरज की तेज रोशनी से डरकर कुछ लोग घुसे थे।
रमन अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से निशाना साधे खड़ा था। सुजॉय ने फ्लेयर गन से फायर किया और फ्लेयर लाइट घर के अंदर घुसी और सारे आदमी औरत उस घर से बाहर निकल आए। रमन ने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से कई लोगों को शूट किया और बेहोश कर दिया, फिर उन्हें भी उन्हीं के कपड़ों से बांध दिया। इसी तरह रमन सुजॉय ने गांव के लगभग सभी लोगों को बांधकर जमीन में लेटा दिया था। सभी अधनंगे से जमीन में लेटे हुए थे। सुजॉय बोला, सर मुझे लगता है कि हमने सभी लोगों को गिरफ्त में ले लिया है, अब हम इन्हें यहां से बाहर कैसे लेके जाएं? रमन के चेहरे के भाव बदले हुए थे। वो अजीब तरह से अपने चारों तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। रमन बोला, नहीं सुजॉय, हमने अभी सभी लोगों को गिरफ्त में नहीं लिया। सुजॉय बोला, क्या मतलब सर? रमन बोला, जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहना, तुम्हारे बर्ताव से ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें कोई राज पता चल गया है। ठीक है सर, मगर बताएं कि बात क्या है? रमन नीचे बैठा और जमीन में बंधे हुए एक आदमी की गांठ को कसने के बहाने सुजॉय से कहा, सुजॉय इस गांव की जमीन में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सुजॉय भी जमीन में लेटे आदमी की रस्सी को टाइट करता हुआ बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं सर? रमन बोला, मेरा यकीन करो सुजॉय, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जमीन में नहीं बल्कि किसी मशीन की सहायता से क्रिएट किया गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? रमन बोला, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि हमारा दिमाग भी हमारे काबू में नहीं था, और ये लोग हमें मार डालने को उतारू थे। और अभी इस EMF मीटर में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कम है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो चाहता है कि ये गांव खाली हो जाए, और चूंकि हम इस गांव को खाली कर रहे थे शायद इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया ताकि उनका काम जल्दी हो जाए और हम ये गांव खाली कर दें। सुजॉय बोला, सर इस गांव में ऐसा क्या हो सकता है जो इसके खाली हो जाने से उनका फायदा हो? रमन बोला, ज्यादा देर इसी तरह बैठे रहे तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा, उनकी नजर हम पर ही होगी, अगर उन्हें शक हो गया तो वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर हमें मार भी सकते हैं। चलो चलते हुए बात करते हैं। रमन और सुजॉय गांव के हर घर में झांकते हुए इधर उधर भटक रहे थे। असल में रमन ऐसा कोई उपकरण ढूंढ रहा था जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया जा सके। गांव में घूमते हुए रमन को एक टीन शेड दिखाई दिया, उसकी छत और दीवारें टीन की बनी हुई थी। सुजॉय बोला, सर इस घर में ऐसा क्या हो सकता है? रमन बोला, अगर इसी तरह के और घर मिल गए तो मैं बता सकता हूं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। दरअसल उस गांव में सारे घर पत्थर या ईंट के बने हुए थे, बस एक वही घर था जो पूरी तरह टीन का बना हुआ था। रमन और सुजॉय ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और उन्हें उस टीन शेड की तरह तीन और घर दिखे जो पूरी तरह टीन के बने हुए थे, एक ही आकार और एक ही ढंग के। जब तक रमन और सुजॉय ने पूरे गांव का चक्कर लगाया तब तक गांव में पुलिस भी आ चुकी थी और एक ट्रक में कई पुलिस वाले थे। रमन को देखकर इंस्पेक्टर रवि बोला, कैसे हैं रमन साहब, बाल पक गए हैं आपके लेकिन अभी भी वही दमखम है आप में? रमन बोला, नहीं साहब अब वो बात कहा, वैसे इस बार प्रमोशन पक्का है आपका। इंस्पेक्टर रवि बोला, अब इस उम्र में किसको प्रमोशन चाहिए साहब, नौकरी बची रहे ट्रांसफर ना हो बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं, अब आप मैदान में आ गए हैं तो शायद प्रमोशन हो जाए। रमन बोला, हाँ होप फॉर द बेस्ट। तो बताइए साहब क्या सेवा है हमारे लिए, यहाँ तो आपने हमारे लिए थाली सजा के रखी है। इंस्पेक्टर रवि गांव की जमीन में लेटे बधे हुए सभी लोगों की तरफ देखकर बोला। रमन बोला, देखिए इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इन गांव वालों को इस गांव से दूर किसी सुरक्षित जगह लेकर जाना होगा, फिर आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके बाद आपका प्रमोशन पक्का समझिए। इंस्पेक्टर रवि बोला, हाँ होप फॉर द बेस्ट। पुलिस वालों ने ट्रक में भरकर सभी गांव वालों को गांव से बाहर निकाला और फिर पूरा गांव खाली हो गया। प्रवीण की लाश को भी ट्रक में रखकर गांव से बाहर लेकर गए। रमन और सुजॉय भी पुलिस वैन में बैठकर गांव से बाहर निकल आए। अब वो गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। गांव से बाहर रमन सुजॉय की टैक्सी खड़ी थी जो पुलिस वैन के पीछे पीछे शहर की तरफ चल दी।
पुलिस वैन में बैठे इंस्पेक्टर रवि ने रमन से कहा, कहिए डिटेक्टिव साहब, आप कुछ बताना चाहते थे। तब तक एक खाली कागज में रमन कुछ आकृतियां बना रहा था। वो कागज इंस्पेक्टर रवि को देते हुए बोला, ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इस नक्शे में जहां जहां पर आपको टीन शेड दिखाई दे रहे हैं वहां आपको कुछ गैर कानूनी उपकरण मिलेंगे। इंस्पेक्टर रवि आश्चर्य से बोला, गैर कानूनी उपकरण माने? रमन बोला, ईएमएफ जनरेटर। उस गांव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसी जनरेटर की वजह से था, ताकि लोग पागल होकर एक दूजे को मार डालें या गांव छोड़कर चले जाएं और फिर दोबारा उस गांव में कोई ना आए। इंस्पेक्टर रवि बोला, मगर कोई ऐसा क्यों करेगा, उस गांव में ऐसा है क्या? रमन बोला, ये तो आपको वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने वहां पर वो सेटअप लगाया है। और हाँ, एक और बात, उस जमीन में जाकर आप उन लोगों को हरा नहीं पाएंगे, आपको सेना की मदद लेनी होगी। सभी ईएमएफ जनरेटर्स को हवाई हमले से बर्बाद करना होगा, उसी के बाद आप उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। इंस्पेक्टर रवि भौंवे सिकोड़ते हुए बोला, ये तो बहुत बड़ा मसला है। रमन बोला, हाँ, इसीलिए आपको जल्द से जल्द भारतीय सेना को सूचित करना होगा, मेरा काम यहां समाप्त होता है। इतना बोलकर रमन ने पुलिस वैन रुकवाई और सुजॉय के साथ पुलिस वैन से नीचे उतरा और इंस्पेक्टर रवि से बोला, देर मत कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि वहां से चला गया और सुजॉय और रमन भी अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में सुजॉय ने रमन से कहा, सर, आप जीनियस हैं, ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, मगर आपने कैसे जाना कि वहां कोई ईएमएफ जनरेटर है? रमन बोला, किसी भी जगह में उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिना किसी जनरेटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जैसा कि तुमने प्रवीण से बात करने के बाद मुझे उस गांव की स्टोरी बताई थी, तभी मुझे लगा था कि वहां की जमीन में कोई जियोमैग्नेटिक प्रभाव हो सकता है, इसीलिए मैंने तुमसे इंजेक्शंस और हेलमेट मंगाया था, और मैं ये ट्रैंक्विलाइजर गन इसीलिए लाया था ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकूं और किसी की जान ना जाए, मगर यहां आकर देखा कि यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हद से ज्यादा है। जब हम गांव को खाली करने के लिए उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया गया। बस यहीं पर मेरा शक यकीन में बदल गया, और जब मैंने गांव में वो चार टीन शेड्स देखे, तब तो मैं पक्का श्योर हो गया कि वहां जरूर कोई मशीनरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रही है। सुजॉय बोला, सर, जब भी मैं सोचता हूं कि मैं कुशल जासूस बन चुका हूं, आप मुझे गलत साबित कर देते हैं, आप मुझे हर बार चौंका देते हैं, और काफी अच्छा लगा सर जो आप एक लंबे ब्रेक के बाद काम में वापस आए, उम्मीद करता हूं सर आगे भी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। रमन बोला, पता नहीं सुजॉय, मैं आगे कोई केस ले भी पाऊंगा या नहीं, बस डर लगता है कि मेरी वजह से किसी की मौत ना हो जाए, और इस बार भी देखो प्रवीण की मौत हो गई है। सुजॉय बोला, सर, प्रवीण की मौत निश्चित थी, वो हमारे यहां पहुंचने से पहले ही घायल हो चुका था, आपने देखा ना उन लोगों ने हमारे सामने कैसे प्रवीण को पत्थरों से मार डाला। सुजॉय की ये बात सुनकर रमन चौंकते हुए बोला, ड्राइवर गाड़ी रोको। सुजॉय बोला, क्या हुआ सर? रमन ने कहा, सुजॉय, वो लोग जिन्हें हमने चट्टान के ऊपर बांध कर छोड़ा था, वो लोग अभी भी वहीं होंगे, उन्हें तो वहां से रेस्क्यू किया ही नहीं गया। सुजॉय बोला, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? रमन ने टैक्सी ड्राइवर को कार वापस गांव की तरफ मोड़ने के लिए कहा। शाम होने लगी थी, धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था, और थोड़ी देर में वो लोग गांव के पास पहुंच गए। रमन और सुजॉय उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उस चट्टान के ऊपर चढ़े जहां उन्होंने कुछ लोगों को उन्हीं के कपड़ों से बांध कर छोड़ा था, मगर उस चट्टान के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा वहां कोई नहीं था। तभी रमन और सुजॉय और टैक्सी ड्राइवर के सिर में तेज दर्द होने लगा, उनके कानों में तेज बीप बजने लगा, तीनों सिर पकड़कर घुटनों के बल जमीन में गिर गए, तीनों दर्द से कराह रहे थे। रमन ने अपने कमर की बेल्ट में लगे ईएमएफ मीटर की तरफ देखा, उस मीटर की सुई 100 पर जाकर अटकी छटपटा रही थी, और तभी वो सुई एकदम से 0 पे आ गई और तीनों बेहोश होकर वहीं गिर गए। जब रमन की आंख खुली तो उसने खुद को एक टीन शेड के अंदर बंधा हुआ पाया, सुजॉय और टैक्सी ड्राइवर भी उसी के साथ बंधे हुए थे। रमन ने देखा वो उस टीन शेड के अंदर थे जिसके अंदर एक बड़ा सा ईएमएफ जनरेटर लगा हुआ था। रमन ने सुजॉय को आवाज दी, सुजॉय, सुजॉय होश में आओ। तभी ड्राइवर और सुजॉय दोनों होश में आए
सुजॉय ने अपने चारों तरफ देखा, फिर रमन की तरफ देखकर बोला, सर ये हम कहाँ हैं? रमन बोला, उसी टीन शेड के अंदर जिसके अंदर जनरेटर लगे हुए हैं। सुजॉय बोला, सर यहाँ किसी भी वक्त हवाई हमला हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रमन बोला, बहुत मुश्किल है सुजॉय, हम लोहे की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, हमारा यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। सुजॉय बोला, तो सर मतलब हम मरने वाले हैं? रमन निराश होकर बोला, हाँ सुजॉय तुम्हारा साथ अच्छा था। तभी आसमान में एक जेट विमान की गर्जन सुनाई दी और उसमें से एक एक करके चार बॉम्ब गिराए गए और वो चारों बॉम्ब उन चारों टीन शेड में टारगेट थे जिनमें ईएमएफ जनरेटर लगा हुआ था और एक में सुजॉय, रमन और टैक्सी ड्राइवर। कुछ ही सेकंड्स में उस गांव की जमीन में चार बॉम्ब गिरे और एक एक करके चार धमाके हुए और चारों टीन शेड और ईएमएफ जनरेटर्स आग के गोले के समान हवा में उड़ गए और जेट विमान वहां से चला गया। बॉम्ब विस्फोट के साथ जासूस रमन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये था जासूस रमन का आखिरी केस। अगर जासूस रमन की कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।